राम राम। मान लो तुम बहुत दिन से डेली पढ़ाई कर रहे हो, बहुत दिन से क्या, तुम रोज पढ़ाई करते हो, तुम 8 8 10 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ तुम कर रहे हो है, और तुम्हें एक बार जॉब नहीं लगी, ठीक है, एक बार नौकरी नहीं लगी, तुमने फॉर्म भरा था, नौकरी नहीं लगी, दोबारा बार में भी नहीं लगी, तो तुम क्या हो गए, निराश हो गए, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए। अब तुम्हारा मन क्या करता है कि गिव अप कर दें, और मन साला इतना हरामी है कि तुम जैसे करते हो कि गिव अप कर दें, वो करने भी देता कि चलो छोड़ो यार, आगे की दूसरी चीज़ें देखते हैं। और इस कंडीशन में दिक्कत क्या आ जाती है कि हमें फिर और कोई रास्ता दिखता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं होता आगे क्या करना है, क्योंकि तैयारी करी है। तो गिव अप करना इतना आसान है कि उसके लिए कुछ करना नहीं होता ना, कि तुम पढ़ते पढ़ते थक गए, तुमने कॉपी पेन बंद कर दिया, चिल मार रहे हो, गिव अप हो गया। अब इसमें किसी ने कोई मेहनत तो करी नहीं, गिव अप करना तो सबसे ऐसी चीज है। और यही गिव अप जो तुम कर रहे हो, ये 99% लोग कर रहे हैं, तुम जो सोच रहे हो करने के लिए, वो 99% लोग कर रहे हैं। 1% लोग जिनको वो चीजें मिल रही हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वो किस लिए मिल रही हैं, उनको ये पता है कि 99% में नहीं आना है, अपन को गिव अप नहीं करना है। इसीलिए कहा जाता है डोंट गिव अप, ये कोटेशन आज से नहीं पिछले 20 सालों से चला आ रहा है कि डोंट गिव अप, गिव अप मत करो। मतलब कि जो सिचुएशन है, अगर तुमने उसमें तुरंत छोड़ अपने हाथ पैर छोड़ दिए कि अब यार क्या ही करें, इसके लिए मेहनत क्या चीज़ें करनी है, तब तुम समझ जाते हो कि यार अब हो गया कांड, अब कुछ नहीं होना है, तो फिर छोड़ दिया उसके बाद तुम्हारी लाइफ। क्योंकि देखो, अगर तुम लगातार कुछ कर रहे हो तब तो ये है कि चलो रिजल्ट कुछ आ सकता है, जब तुम कुछ कर ही नहीं तो रिजल्ट काहे पे आएगा। जब तुमने कॉपी को कोरी कॉपी जमा कर दी है, तब तो एक को नंबर नहीं दे पाएगा ना एग्जामिनर, जब उसमें तुम कुछ लिखोगे, भले 10 में से 1 देगा 2 देगा, तब तो कुछ देगा। इसी तरीके से है तैयारी भी, अगर तुम कुछ तैयारी कर ही नहीं रहे हो तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं आने, लेकिन अगर तुम सच में तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम फेल ही हो रहे हो हर बार। तो अगर जब भी गिव अप करने का मन करे तो सबसे मेन चीज़ अपने दिमाग में ले लिया करो कि यार ये तो सबसे आसान काम है जो हम कर रहे हैं, और आसान काम करके बड़ी जिंदगी बन नहीं सकती है। मतलब कि जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारा टारगेट आई हो, बड़ा ही सोचा होगा कुछ, तो वो तो तुम्हें मिलने वाला नहीं रहा, क्यों, क्योंकि तुमने तो फ्री छोड़ दिया मामला, जो कि सब कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम गिव अप कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए, लाइफ में कुछ है नहीं ये सब चीजें करने लायक, तो यकीन मानो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, तुम जिस सिचुएशन में उसी में रहोगे। और कई लोग तो ऐसा लगता है वो नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए गिव अप करने का जब भी मन करे, दिमाग में बस एक ही थॉट रखना कि ये जो गिव अप हम करने जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और ये करना आसान है। तो अगर हमने ये कर दिया, सब ये कर रहे हैं, तो हम सब बराबर हो जाएंगे और वो 1% वाले आगे निकल जाएंगे। और 1% में वही आते हैं जो ये गिव अप वेव अप ये सारे एक्सक्यूजेस जो जितने भी होते हैं इन सब के ऊपर है, जो वही आते हैं 1% में। तो गिव अप मत करना, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम अपनी क्षमता का पूरा दे सकते हो। राम राम, जय हिंद।